विराट कोहली की कप्तानी पर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। भारत ने उनकी कप्तानी में दरअसल एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती। टीम इंडिया ने 2013 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता है। हालांकि विराट की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स में जगह जरूर बनाई थी, पर जीत नहीं मिली। इसको लेकर फैंस लगातार सवाल खड़ा करते रहे हैं। विराट ने ऐसी बातों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। विराट ने आरसीबी पॉडकास्ट सीजन 2 पर बात करते हुए कहा कि उन्होंने भले ही बतौर कप्तान आईसीसी ट्रॉफी ना जीती हो, पर उन्होंने इंडियन टीम को एक नया कल्चर दिया है। विराट ने उन्हें फील्ड कप्तान कहने वालों को भी जवाब दिया है। विराट ने कहा, मैं इस बात से अपना दिमाग खराब नहीं करता कि मेरी ट्रॉफी कैबिनेट भरी है या नहीं। ट्रॉफी सही डिसिप्लिन का एक बाई प्रोडक्ट होती है। आप जीतने के लिए ही खेलते हैं, पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं होती है। सच कहूँ तो मेरे रिकॉर्ड पर बहुत कुछ कहा गया। मैंने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तानी की, 2019 वर्ल्ड कप में कप्तानी की, 2021 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी कप्तानी की। हम 2021 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके। हालांकि हम 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंचे, 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक। इसके बावजूद मुझे फील्ड कप्तान कहा गया। मैंने खुद को कभी भी उस नज़रिए से नहीं देखा। हमने एक टीम की तरह जो अचीव किया, कल्चर में जो बदलाव आया, उससे मैं हमेशा गर्व महसूस करूंगा। विराट ने इसके बाद टीम इंडिया के नए कल्चर पर भी बात की। उन्होंने आगे कहा, एक टूर्नामेंट एक छोटे पीरियड के लिए होता है, पर कल्चर लंबे समय तक चलता है। इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। इसके लिए आपको एक टूर्नामेंट जीतने से ज़्यादा कैरेक्टर चाहिए होता है। मैंने बतौर प्लेयर वर्ल्ड कप जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। मैं उस टीम का हिस्सा रहा हूँ जिसने 5 टेस्ट मैच जीते हैं। अगर आप देखें तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी वर्ल्ड कप तक नहीं जीता। 2011 वर्ल्ड कप की जीत को भी विराट ने इस पॉडकास्ट में याद किया। उन्होंने क्या कहा ये बताएंगे। दरअसल 22 साल के विराट को 2011 वर्ल्ड कप की टीम में चुना गया था। विराट टीम के मिडिल ऑर्डर के अहम हिस्सा भी रहे थे। 2 अप्रैल 2011 को टीम इंडिया ने उस यादगार फाइनल में श्रीलंका को हराकर 28 साल बाद वनडे वर्ल्ड कप जीता था। उस दिन को याद करते हुए विराट ने कहा, मैं लकी था कि मैं उस टीम का हिस्सा था। उस टूर्नामेंट से पहले मैंने कई अच्छी पारियां खेली थी, इसलिए मुझे टीम में शामिल किया गया था। मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा। जब चीज़ों को होना होता है हो जाता है। सचिन तेंदुलकर अपना 6ठा वर्ल्ड कप खेल रहे थे और उन्होंने वो जीता। वो मेरा पहला वर्ल्ड कप था और मैंने वही जीत लिया। 2011 के 2 साल बाद कोहली ने टीम इंडिया के साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। हालांकि उस वक्त टीम इंडिया के कप्तान एमएस धोनी थे। बतौर टेस्ट कप्तान विराट का रिकॉर्ड शानदार है। आईसीसी ट्रॉफी छोड़ दे तो वाइड बॉल क्रिकेट में भी उनके कैप्टेंसी का रिकॉर्ड अच्छा है। और अब विराट ने खुद उनके आलोचकों को जवाब भी दे दिया है। आप विराट की कप्तानी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। नमस्कार, मेरा नाम है पुनीत और आप फिलहाल ललन टॉप स्पोर्ट्स देख रहे हैं। यहाँ आपको टीम इंडिया और बड़े नाम जैसे विराट कोहली, एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, इन सब से जुड़ी हर खबर मिल जाती है। इसके साथ साथ हम आपके लिए ढेर सारे इंटरव्यूज़ और किस्से कहानियाँ भी लेकर आते रहते हैं। एक और खास बात, ललन टॉप का नया शो आ गया है जिसका नाम है स्पोर्ट्स टॉप। यहाँ हम आपको दिन भर की हर बड़ी खबर स्पोर्ट्स से रिलेटेड बताते हैं। उस शो को भी आप ललन टॉप के स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। शुक्रिया।